अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर रायपुर से। 28 जुलाई को स्कूलों में गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो 28 जुलाई को प्रतियोगिता आयोजित होगी। सीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं प्रतियोगिता के लिए। तो 28 जुलाई को स्कूलों में जो एक पारंपरिक नृत्य है गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता, उसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण, हरेली की महत्ता पर संगोष्ठी का भी आयोजन होगा। जिला और विकासखंड मुख्यालयों में आयोजन होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है उसको और आगे बढ़ाने के लिए और उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार जो है इस तरीके के तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और 28 जुलाई को इसी कड़ी में हम देख सकते हैं स्कूलों में गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। सीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए और सीएम भूपेश बघेल को अगर देखे जाए तो वो खुद भी जो है सारी परंपराओं को निभाते हैं। छत्तीसगढ़ की जितनी परंपराएं हैं उन सभी को एक बड़े स्तर पर भी आयोजन किया जाता है यहाँ पर उन परंपराओं को लेकर, ताकि उन परंपराओं को जन जन तक पहुँचाया जा सके। और इसी कड़ी में स्कूलों में भी गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए साथ भूजेंद्र लगातार बने हुए हैं। भूजेंद्र से जान लेते हैं कि गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता, भूजेंद्र सबसे पहले कितना महत्व है, किस तरीके का ये नृत्य रहता है? और अगर हम देखें भूपेश बघेल की बात करें, सीएम की बात करें, तो वो लगातार हर एक चीज़ को, परंपराओं को एक बड़े स्तर पर कह सकते हैं कि हर चीज़ को बड़े स्तर पर आयोजित करते हैं ताकि जन जन तक वो पहुँचे, छत्तीसगढ़ की परंपरा को लोग जाने। कह सकते हैं छत्तीसगढ़ कब सर्वप्रथम त्योहार जो होता है छत्तीसगढ़ का, तो वो हरेली त्योहार से शुरुआत छत्तीसगढ़ के किसान करते हैं। हरेली में जो है वो हरेली की शुरुआत में जो गेड़ी नृत्य होता है, छत्तीसगढ़ में गेड़ी नृत्य के जरिए हरेली त्योहार मनाया जाता है। उसी को अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कल्चर है छत्तीसगढ़ को, उसको स्कूलों में गौठानों के माध्यम से फिर से मनाने जा रहे हैं। और लगातार जो देख रहे, जब से संस्कृति संरक्षण का कार्यक्रम किया, कह सकते हैं कि पुराने जो कल्चर है उसको बचाने का काम लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। और इसी क्रम पे 28 जुलाई को स्कूलों में गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता कराया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण पर निबंध लिखने की संगोष्ठी की जाएगी। साथ ही साथ हरेली का महत्व क्या है उस पर भी संगोष्ठी होगी। ये तमाम जो कार्यक्रम होंगे जिला और विकास खंडों के माध्यम से होने हैं। और इसमें जो विजेता जो बच्चे होंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा पुनः। तो उसमें जो कालखंड भी रखा गया है कि गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता में जो ब्लॉक स्तर में और जिला स्तर में और राज्य स्तर में इन तरह की इनको पुरस्कृत किया जाना है, उसको लेकर तमाम तैयारियां करने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिया गया। उन्होंने आदेश भी दे दिए है सारे स्कूलों में कि गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता करना है ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर में बच्चों को जो प्रतिभागी होंगे उससे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, जो है यहाँ पर प्रतिभाग लेंगे बच्चे, प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। बने रहिएगा भूजेंद्र, आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन स्कूलों में होना है ताकि बच्चे भी जो है बड़ी संख्या में इसको सीखें और इस परंपरा को जो है आगे भी लोग समझें। तो हरेली एक बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ का त्यौहार है और इस पर गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है।